ये है परमवीर चक्र से अलंकृत कैप्टन मनोज पांडे जी का परमवीर चक्र जो अभी मेरे हाथों में है। पाकिस्तान का झंडा क्यों लहरा रहा है? ये एक परमवीर चक्र जी का राइटिंग है, मनोज कुमार पांडे, इन्होंने अपने हाथ से लिखा हुआ है। ये किसी ने ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया है कि हम परमवीर चक्र पाने के लिए सेना में भर्ती होने के लिए, ये इंटरव्यू जो बाडी ले गया था तो उसने ये कहा था कि मम्मी इसको मत छोड़ दिया। मतलब अभी मैं हूँ परमवीर चक्र कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी के घर पे और हमारे साथ हैं उनके पिताजी। और अभी मैं जिस रूम में खड़ी हूँ वो है कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी का रूम। और अंकल जी अभी हमें सारा रूम के बारे में दिखाएंगे कि मैं कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी के रूम में क्या है, क्या क्या उनकी स्मृतियाँ हैं। तो अभी हम लोग ये देखते हैं। जी अंकल, ये तो इनका परमवीर चक्र है। जी जी, ये इसको हमने फ्रेम में करवा के रखा है। जी जी, ये उनकी कुकरी है जो मैंने उनका रोका था। हाँ हाँ, कुकरी। जी जी, कुकरी। ये यहाँ पर हमको राष्ट्रपति जी परमवीर चक्र जी द्वार दे रहे। ये महामहिम डॉक्टर के आर नारायण जी हैं। जी जी, ये जनरल नरवणे साहब ने स्मृति चिन्ह के रूप में हमको प्रदान किया था। जी जी, जब वहाँ मनोज की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए स्वयं गए थे। ये सारी सेनाएं जितनी भी कारगिल युद्ध में लड़ाई लड़ी है उनकी सबकी सेनाओं के इसमें भी मिलना है। जी जी, हाँ, इसमें सारा सा फाइट पैरा कारगिल्स में जितने हैं मई टू अगस्त 99 तक का जो ऑपरेशन विजय। जी जी, ये योगी जी आए थे हमारे मुख्यमंत्री। अच्छा, पर यहीं पर इसी कमरे में। जी जी, उनके साथ में छोटा बेटा है, बहू है, योगी जी है, उधर हम हैं, पत्नी है हमारी। जी जी। और ये रतन दास से मुलाकात हुई थी। जी जी जी, 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 जी। ये कब की तस्वीर है अंकल जी? क्या काल हो गए? अच्छा, हाँ, तो ये लखनऊ आए थे तो मैंने आमंत्रित किया था। तो ये मेरी ये हमारी नातिन है, ये हमारी पोती है जो उनके सामने खड़ी है, ये हमारी बेटी है, ये हमारी बहू है, इस तरीके से लड़के लोग बता रहे हैं। ये जनरल साहब, जनरल वेद मलिक जी उस टाइम के आर्मी चीफ और आर्मी जी गैलरी का, उसको उन्होंने हमारी पत्नी के द्वारा करवाया था। ये मनोज बेस्ट एनसीसी कैडेट का पुरस्कार यहाँ के रक्तों के राज्यपाल ने राजभवन में उनको दिया था, सम्मानित किया था मनोज को। ये मनोज एनसीसी के बेस्ट कैडेट थे, उसका पुरस्कार उन्होंने राजभवन में बुला करके उनको सम्मान किया। देहरादून में जब पत्नी का ऑपरेशन हुई तो मैं हमारी पत्नी मैं उसको बैठ लगा रही हूँ। एक तरफ हमें एक तरफ हमारी पत्नी बैक साइड में हमारे बहन साहब खड़े हुए। ये वाला आप थोड़ा सा ये लाना क्लोज पे, ये वाला यहाँ पे अब दिखाना इनको, यहाँ पे इनकी सारी तस्वीरें, ये तस्वीरें हैं, ये मनोज की तस्वीर है। जी जी, ये बिटिया है हमारी। अच्छा। ये उनसे बिटिया से छोटा बेटा है, ये बहुत छोटे पर की फोटो है, ये मनोज की साल भर की फोटो है। अच्छा अच्छा, बहुत छोटे थे मनोज। इसमें कौन से ये वाले सबसे बड़े? सबसे बड़े वाले ये कैप्टन मनोज। हाँ, ये तो बेटा है, ये सब छोटा वाला बेटा है, ये बेटी है। तो इसमें ये सारा का सारा यहाँ पे कैप्टन मनोज पांडे ये। हाँ, ये भी मनोज की है, जी, ये वहाँ एनडीए का है। जी
देहरादून में, वो खड़कवासला में वहाँ की फोटो है। ये आंटी जी यंग में, मतलब उस टाइम में यंग की तरह दिख रही थी जी। और ये इसमें कौन सी तस्वीर है? इसमें ये हमारी है, आंटी जी की है, ये मनोज की है, ये हमारे बहनों साहब पीछे खड़े हैं। हम तीन लोग गए थे यहाँ से देहरादून माता जी ऊपर कुछ ही टाइम के। यहाँ पाकिस्तान का झंडा क्यों लहरा रहा है? ये इन्होंने इसको कैप्चर किया था मनोज ने। अच्छा, कारगिल युद्ध के बाद? ये मनोज की फोटो है यहाँ पर है, उसको इन्होंने नहीं उसके पहले कैप्चर किया था। अच्छा। ये इनकी ड्यूटी, ये जो पुनीत दत्त अशोक चक्र इनको प्राप्त हुआ है जी, पुनीत दत्त दिल्ली में रहती है उनकी फैमिली। ये कैजुअल्टी पुनीत दत्त की मनोज के सामने हुई, आंखों देखा गया, एक ही घर पे अटैक किया इन्होंने, अंदर पाकिस्तानी थे, इन्होंने जा करके अटैक किया। पुनीत दत्त ने घर के अंदर छलांग लगा करके आमने सामने की फायरिंग में पुनीत दत्त की कैजुअल्टी हुई, उसमें पुनीत दत्त को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। ये विश्व की सबसे ऊंची सड़क विश्व की उमलिंगला पास द्रास में है। द्रास में लेह तो ही वहाँ लेह में, लेह हाँ लद्दाख में, लद्दाख लेह से जब हवाई अड्डे से लद्दाख को चलिए तो वहाँ पर ये सबसे ऊंची सड़क है, वहाँ पर ये खड़े हैं अपने साथ के साथ। हम भी गए थे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे आप गए हुए? हम यहाँ पर गए हैं, वहाँ बर्फ ही बर्फ है, बिल्कुल बर्फ पर ही चलना पड़ता है सड़क पर। यहाँ ये एनडीए में आफ्टर मनोज की कैजुअल्टी के बाद में जिस हॉस्टल में मनोज रहते थे, यहाँ पर हॉस्टल में जिस हॉस्टल में मनोज रहते थे उसका जो है नामकरण बड़ोज के नाम से हो गया, तो वहाँ इनकी फोटो लगाई गई और हमको वहाँ बुलाया गया था पूना खड़क बादशाह में, ये वहाँ पर लगी गई। ये कारगिल की चोटी है जहाँ पर मनोज की कैजुअल्टी हुई है, इस चोटी पर हम लोग वहाँ पर गए थे। आंटी जी भी? हाँ, आंटी जी साथ में थी, हम भी साथ में थे, तो हम लोग वहाँ पर गए थे। 14,000 फुट तक पहुँच पाए थे, उसके आगे बहुत तेज हवाएं चल रही थी, तो मई का महीना, जून का महीना था जी, उस समय हम गए थे। ये तो शायद इसमें मनोज पांडे जी है ना मेरे ख्याल से, ये और ये भी है मुझे मनोज पांडे जी की ये हाँ ये नहीं ये हाँ यही वाली जो आर्मी यूनिफॉर्म पहनी, ये वहाँ पर लेह में लद्दाख में छोटे छोटे बच्चों को टाफी दे करके अच्छा उनके साथ खेलते थे। अच्छा, एक सैन का जो बचपन का जो हृदय रहता है यार वो। ये मनोज है, ये इनको सबको बच्चों को देखे, बच्चे सब इन्हीं की तरफ देख रहे हैं। ये क्वालिटी थी उनको। और भी है इसके पीछे भी बैक साइड में भी थोड़ी फोटो है। ये सियाचिन ग्लेशियर की है। हाँ, ये चढ़ रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं वो, जैसे करते हैं ना बड़े बड़े पहाड़ों पे। मैं इसका एग्जैक्टली नाम भूल रही हूँ। सियाचिन बॉर्डर है, वहाँ सियाचिन गए थे ना ये जी, तो 3.5 महीना वहाँ रुक करके ये आए थे। अच्छा, ये आर्मी चीफ जनरल? हाँ, ये उन्होंने हमको घर पे अपने बुलाया था जी। हाँ, तो ये छोटा वाला बेटा है हमारा,
जो बिटिया तो छोटा है वो है, ये हम है, ये जनरल साहब हैं, ये उनकी वाइफ है, ये हमारी पत्नी है जी। घर पे उन्होंने अपने बुलाया था और खुला करके फोटो खिंचवाए थे। हॉर्स स्विंग कर रहे हैं, हॉर्स राइड कर रहे हैं। हाँ, इसका शौक था। ये उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल। हाँ, ये बड़ा अच्छा किया हुआ है आपने ऐसे करके। ये मनोज बिहार दिल्ली में गाजियाबाद में। अच्छा, मनोज बिहार कॉलोनी है, इसी में इसी प्रांगण में इनकी एक प्रतिमा भी लगी है, फोटो लगी है। कहाँ पे है दिल्ली में? ये मनोज बिहार कॉलोनी। अच्छा, गाजियाबाद में। अच्छा, अभी जो रोड जाती है गाजियाबाद को, मनोज बिहार को, उसका नामकरण अभी 3 जुलाई को, इसी 3 जुलाई को जनरल साहब आकर के अब उसका नामकरण करेंगे। अच्छा, ये लिंक रोड जो होती है, रिंग रोड। हाँ, रिंग रोड से जो लिंक रोड अंदर गई है उसका नामकरण, यहाँ पर पत्थर लगेगा, पत्थर लग करके मनोज के नाम से रोग बनेगा। रोग तो बना है, मतलब उसका नामकरण होगा। ये जब इनका ये पुराना किधर ये जो आए थे, ये एक यहाँ पर चौराहे पर कार्यक्रम हुआ था। अच्छा, यायावर रंगमंच के लोग हैं ये, जो अपना कार्यक्रम दिखा रहे हैं यहाँ पर, वो इन्होंने यहाँ पर वो फोटो आई है। मनोज की फोटो है, ये डॉक्टर हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति जो है महामहिम डॉक्टर के आर नारायण जी। जी ये सर्टिफिकेट है ना, ये सर्टिफिकेट था जी जी, और ये परमवीर चक्र था जी जी। को दे अच्छा, ये इनकी मतलब कब मतलब आई हुई थी संस्कार? 4 को बाडीर की आप आई है, 4-3-7 तारीख को, 7 तारीख को यहाँ पर हो पाया कार्यक्रम इनका। ये बड़ा प्यारा सा ये भी लग रहा है, ये कब इनकी जो स्थापना? ये यहाँ एक कलाकार है जी जी। आर्ट कॉलेज का स्टूडेंट था, उसने ये प्रतिमा बना करके यहाँ पर हमको भेंट किया था, उसने खुद अपने हाथ से बना करके जी, तो हमने इसको ये बड़ा बहुत ही हमने शीशे में रख दिया आप लोगों के अवलोकन के लिए। ये आंटी जी से मेरी बातचीत होती रहती थी, बस भेंट नहीं हो पाई वैसे, मतलब मैं 3 साल से प्लान कर रही थी यहाँ पे आने का, पर आज मुझे फाइनली मौका मिला हुआ है। और देखिए अंकल जी से मेरी भेंट हो पाई है। ये हमारे योगी जी है ना जी जी, यही आए थे इसी रूम में। अच्छा, योगी जी यहाँ पे आए हुए हैं? यहाँ आए थे, यही की फोटो है। हाँ, यही की यूनिफॉर्म जो है ये वो आप दिखाना, वो वाली यूनिफॉर्म की ये जो फोटो है, यही फोटो, यही यही खड़े होते थे करवाया था जी जी। और ये परमवीर चक्र का साइटेशन है ना? ये साइटेशन है, इसने जो शीशे का काम किया था। अच्छा, ये साइटेशन लिख करके शीशे के ऊपर दिया था जी, हमने लगा दिया, इसी से काम किया था ना उसने। इस जी जी, इस पे बड़ा आप फोकस करना, रॉकेट बनाया जो, ये मेन साइटेशन तो ये है जिसको राष्ट्रपति ने दिया था जी जी, वो ये है जी जी। एक लड़के ने हाथ से मनोज की फोटो बनाई जी जी, ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है। कला है उसकी, ये वहाँ दिल्ली में हम लोग गए थे, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है दिल्ली में, वहाँ प्रधानमंत्री जी ने बुला करके
भेंट किया था। और ये आप देख सकते हो ये जो कैप्स हैं, ये एक सीओ भी कैप है। अच्छा, इनका जो सीओ था तो ये कर्नल के बाद में लगाई जाती है, जब आदमी कर्नल हो जाता है उसके पहले कैप नहीं लगाई जाती क्योंकि उसमें लाल पट्टी लगी है। अच्छा, समझ गए। और इनकी इनकी कैप में जो भी होगी वो ग्रीन पट्टी होगी, ऐसी होगी। ये लाल पट्टी तभी लगती है जब आदमी सीओ बन जाता है। तो सीओ ने उनको भेंट किया था, तो उन्होंने कहा था कि सब मैं जब सीओ बन जाऊंगा तो इसको लगाऊंगा, लेकिन वो ऑप्शन नहीं आया। ये इनका चश्मा है, वो पहनते थे ये चश्मा। और ये टोपी जो है ये इन्हीं की है, ये वर्दी की टोपी है। ये वर्दी की टोपी है। हाँ, ये भी है, ये भी है। और ये यूनिफॉर्म है सर की, यूनिफॉर्म जो है इसको एमके पांडे जी की लगवा दिया था। जी, ये चार मेडल जीते थे उन्होंने दो साल में, चार मेडल उनको मिले थे, वो भी हमने लगवा दिया था। जी, बेल्ट है उनकी, ये रेडियो है इनका, चश्मा रखा हुआ है। अच्छा, ये इनका चश्मा, ये अंकल खोलते हैं डोर क्या? मैं खोल सकती हूँ इसे? मैं देखती हूँ। अपने साथ में रखते थे जी दोस्तों। ये परमवीर चक्र से अलंकृत कैप्टन मनोज पांडे जी का कैमरा है, जिसे आज मुझे छूने का सौभाग्य मिला हुआ है। कभी वो इस कैमरे से ऐसे फोटोग्राफी करते थे। मैं अंदर कर ये रेडियो है जी। ये हाँ, उस टाइम में ऐसे वाले रेडियो आते थे जब मैं छोटी थी, मैं बड़ी छोटी थी तो मेरे घर में भी ऐसे एंटीना वाले रेडियो आते थे। ये अंकल स्टार्ट होते हैं क्या? नहीं, अब तो कुछ नहीं है, बंद है, सब नीचे रखा हुआ है। ओनली पार्ट को ये घड़ी मांगते थे, वो घड़ी है उनकी, सब चीज़ें उनकी हमने संजो करके रखी है, पर्स है उनका। ये कैप्टन मनोज पांडे जी का पर्स है। इन चीजों को कभी वो यूज किया करते थे, ऐसे ये चला करती थी कभी, ये घड़ी जो है कैप्टन मनोज पांडे जी की घड़ी, ये पर्स। यहाँ पे आईसी नंबर इंडिया का हुआ है। अच्छा, ये भी वेद मलिक जी हैं हमारे आर्मी चीफ जी। उन्होंने आपको 16 दिसंबर को दिल्ली में बुला करके जी 5 बैट होता है लगाने के लिए रखा है हमारे पास जी, उसको दिया था उन्होंने। दिव्या टाइप की है ना, वो दे रहे हैं हमको। क्या मैं ये परमवीर चक्र ये कर सकती हूँ? तो मतलब टच कर सकती हूँ अगर? टच करना है वो तो फ्रेम के अंदर है। अच्छा, वैसे ऊपर से ही थोड़ा सा देखूंगी। पापा आप पीछे आ जाइए, हम निकाल दे। हम निकाल रहे हैं। अच्छा, वो पूरा का पूरा वैसे निकलता है, उसको बनाया सिस्टम से गया है, हर आदमी खोल करके उसको टच ना करे। उसको हमने सोने का छोड़ के परम नीचे कर लगवा दिया, उसको फ्रेम के अंदर करवा दिया है, क्योंकि हर आदमी के सेना में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको देखा नहीं होगा, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको छुआ नहीं होगा,
क्योंकि भारतवर्ष में केवल 21 लोगों को ही पद्म चक्र मिला हुआ है, इसमें अभी 3 जीवित है, मतलब दो जीवित है, बालाकिन पता नहीं भाई की है, आरिसपुरा में है अभी, है हाँ, ये जम्मू से जो 25 अभी आए नहीं थे वो, अच्छा नहीं बाला सिंह जी है, बुजुर्ग है वो, हाँ, बुजुर्ग, ये जम्मू से जो आरिसपुरा है ना रणधीरपुरा में, नहीं है बस जी, तो अभी जनवरी को अशोक चक्र वाले आए थे कोई, क्योंकि उनकी एज भी हो चुकी है अभी, मतलब काफी ये है, और ये जो अभी ये जो है जिन्हें कारगिल के दौरान मिला है वो तो अभी जस्ट रिटायर्ड ही किए हुए, योगेंद्र सर जी, योगेंद्र सर जी रिटायर्ड किए हैं। ये है परमवीर चक्र से अलंकृत कैप्टन मनोज पांडे जी का परमवीर चक्र जो अभी मेरे हाथों में है। अब दोस्तों अंदाजा नहीं लगा सकते हैं मैं कितनी ज्यादा मतलब अपने आप को अभी सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि मैं उनका परमवीर चक्र अपने हाथों में अंकल के साथ जो है ली हुई हूँ। तो मुझे मतलब आज का जो दिन है मेरा सबसे ज्यादा मेरे जीवन का बेस्ट डे है क्योंकि ये अभी मैंने अपने हाथों में लिया हुआ है वो भी अंकल जी के साथ। तो अंकल जी ने इसे बहुत अच्छे से फ्रेम करवा के रखी हुई है और बहुत ही सेफ्टी के साथ रखी हुई है। तो अभी मैं यहाँ पे इसके पोजिशन पे रख रही हूँ। ये उनका खुकरी वो यूज इनका यूज किया हुआ है कि बाद में जो आते हैं वो, अच्छा वो एक जी शो, अब उनका जो ओरिजिनल है वो आया था वो है पार्टी नॉर्थ पर्वत में हम गए थे तो उस समय तो ये बातें कोई आई नहीं सामने, बाद में जब हम इनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ कैजुअल्टी के बाद में तब हम जब गए तो कमांडर ने हमको अपने ऑफिस में बुलाया, बोले देखो आज तक किसी बच्चे ने ऐसा इंटरव्यू दिया नहीं, ये हमारे विद्यालय का रिकॉर्ड है इंडिया का, किसी ने ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया है कि हम परमवीर चक्र पाने के लिए सेना में भर्ती होने के लिए, ये इंटरव्यू किसी का नहीं आज तक का जब तक विद्यालय खुला है तब, ये मनोज का रिकॉर्ड था। उन कमांडेंट ने हमको स्वयं वहाँ बुला करके फाइल खोल करके दिखाया, ये मनोज का इंटरव्यू है। अच्छा वो सब रिटेन में रहते हैं जो भी में होता है जी, जी। तो उसमें वही लिखा था कि मुझे वो चाहते थे कि उन्हें परमवीर चक्र मिले, वही था उनका बिल्कुल अलग रहते थे सारे बच्चों में, यहाँ से गए देहरादून वहाँ खड़क बासला पहुँचे तो 120 बच्चों का एक हॉस्टल होता है तो 120 बच्चों के गाइड से वो बच्चों गाइड सारे लोग राइफल लेकर के परेड करते थे वो आगे तलवार लेकर चलते थे क्वालिटी थी उनकी अलग क्वालिटी। अभी देहरादून गए थे वहाँ मनोज की प्रतिमा का वो प्रतिमा एक बनाई गई है। अच्छा देहरादून में, हाँ देहरादून में, तो वहाँ के कमांडेंट ने हमको आपस में बुला करके ये दिया था जी। उनका सर्टिफिकेट उनकी फोटो लगी है मनोज की, हाँ कभी उतरेगा नहीं रंग कभी भी आपको हाँ हाँ श्योर तो उन्हीं की फोटियाँ हैं जी जी ये तो उनकी कैमरे की फोटो भी है ये उन्हीं का हाथ का भरा हुआ था जी जी ये फार्म को दिया उन्होंने जी जी ये दोस्तों ये एक परमवीर चक्र जी का राइटिंग है मनोज कुमार पांडे इन्होंने अपने हाथ से लिखा हुआ है ये मनोज कुमार पांडे ये 8 जुलाई 1996 XNDA लखनऊ 25 जून ये सारा उनकी हैंड राइटिंग है हिंदू ब्राह्मण इंडियन। अच्छा इन्होंने फॉर्म भरा था वही है तो इससे मतलब क्या मैं बताऊँ ये मुझे मतलब एक परमवीर चक्र का हैंड राइटिंग देखने को मुझे इस तरीके से मिल रहा है। ये अंकल आपको कहाँ से मतलब किसने देहरादून में आप जो गए हुए थे तो वहाँ पे मिला हुआ ये सर कमांडेंट ने दिया था। अच्छा वहाँ के कमांडेंट ने दिया हुआ था और ये
ये कैप्टन मनोज पांडे जी की तस्वीर है, प्यारी सी तस्वीर है ये जी। ये उत्तर प्रदेश के ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने पहले आवासीय परीक्षा चलती थी अपनी होती थी भारत सरकार के द्वारा। हाँ हाँ, भारत सरकार के द्वारा आवासीय परीक्षाएँ कराई जाती थी बच्चे को, कक्षा 9 10 11 12 का प्रशिक्षण देने के लिए नियुक्त हुई जी जी। पहले उसकी बोर्ड परीक्षा होती थी इलाहाबाद। अच्छा, उसको एक बार में लोग बड़ी कठिनाई से पास कर पाए, बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो दो तीन बार ही बैठ करके पास कर पाते जी जी। मनोज ने उसको पहली बार में पास किया। अच्छा, उस विद्यालय से इलाहाबाद से पहली बार विद्यालय वहाँ गए इलाहाबाद और पहली बार ही पास कर लिया, ये विद्यालय में उनके रिकॉर्ड है रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में। और उसी से अब इनका सिलेक्शन होना था 9th में देहरादून नैनीताल चंडीगढ़ जी। उसी समय उसी साल उस लिस्ट में यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ को शामिल किया गया। अच्छा, उसी साल वो परीक्षा पास कर लिया उन्होंने। तो इनकी कक्षा 9 10 11 12 निःशुल्क शिक्षा हुई, हमने कोई उनको फीस नहीं दिया जी जी। हाँ, वो ये विद का विधान था कि इनको चंडीगढ़ जाते, नैनीताल जाते, देहरादून जाते, नहीं गए। इनका स्कूल सैनिक स्कूल में हो गया सिलेक्शन। तो इंटर यहाँ लखनऊ सैनिक स्कूल से किया। अच्छा, फिर जब वो 9th में पहुँचे तो क्योंकि तेज ज़्यादा थे हर चीज में आगे रहते थे, छोटे टाइप के थे ना, थोड़ा सा हर आदमी से मिलना, हर काम को आगे कर लेना। अच्छा अच्छा, है ये क्वालिटी थी उनकी। तो प्रिंसिपल ने बुलाया, बोले तुमको हम स्कूल का कैप्टन बना रहे। नहीं सर, मैं कैप्टन नहीं बनूंगा। क्या बता रहे हो तुम, लोग तरसते हैं कैप्टन बनने के लिए, तुमका तो हम नहीं बनेंगे। सर मैं यहाँ नेतागिरी करने थोड़ी आया हूँ, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, मैं कैप्टन नहीं बनूँगा। जी जी, नहीं बना, नहीं बना। फिर जबरदस्ती इसको इंटर तक वाइस कैप्टन बना रखा हुआ, बोले पदभार आपको संभालना। तो हर चीज़ में आगे रहता था, हर चीज़ में, कोई मीटिंग हो, कोई काम हो, कोई खेल हो, कोई सारे खेल खेलता था। कितने मेडल रखे हमारे पास मकान पर, केवल सैनिक स्कूल थे, सारे खेल खेलता, बॉक्सिंग, फुटबॉल, फलाना ठिकाना, जो कुछ जितने खेल सब में आगे। ये क्वालिटी वो अलग चीज थी, मतलब एक विशेष उन्हें मतलब कार्य के लिए इस धरती पे भेजा गया था वो है, वो अपना कार्य पूरा किए चंद समय, बहुत थोड़े समय, 2 साल में इतिहास में अपना नाम कर लिया। 2 साल की नौकरी, मात्र 2 साल की ही सर्विस थी उनकी। 2 साल पूरे नहीं, 7 जुलाई को ज्वाइनिंग की थी और 3 जुलाई को ग्रेजुएट की थी। मतलब 2 साल भी उनकी पूरी नहीं हुई थी, 4 दिन कम ही थी। और इतिहास में जब तक सेना रहेगी तब तक मनोज का नाम रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता। जब तक भारत रहेगा तब तक उनका नाम, जब तक सेना रहेगी जी इंडिया, क्योंकि सेना का हाईएस्ट अवार्ड परमवीर चक्र, उससे बड़ा कोई नाम नहीं, अवार्ड है ही नहीं उससे बड़ा कोई, परमवीर चक्र और वो मनोज के बाद। तो इतिहास में जब तक सेना रहेगी तब तक मनोज का नाम रहेगा, वो मनोज कर चंद समय में मात्र 2 साल सब फील्ड पर कभी पहुंचे नहीं, वो पीच पर कभी गए नहीं, फील्ड में ही रहे। पीच पर जाने की नौबत थी, मौका आया था तब तक काफी युद्ध हो गया। उसने भी बड़े चढ़ के हिस्सा लिया। अंतिम बार कब आए थे वो, फरवरी में,
अच्छा फरवरी 1999 में। कितने दिन की छुट्टी? 6 दिन से लौट कर के आए थे। अच्छा सियाचिन से लौट करके फरवरी में घर आए थे और उसके बाद में मार्च में गए थे और वहीं पर रहे हमें रुक गए थे और 5 मई को और मई से ही वहाँ पर पाकिस्तानियों ने रोड को बंद करने का योजना थी उनकी। 5 मई से मनोज लड़ाई कर रहे हैं 5 मई से और 2 जुलाई की रात तक 3 जुलाई को सवेरे तक ये बराबर लड़ते रहे जो बांटा फलाना डकाना था फते करते हुए कहीं उनको कोई चोट नहीं लगी। उनको चोट एक ही गोली लगी वो ऊपर चौथे बंकर से आई और ये लगी। उसके अलावा पूरे शरीर में सीमा में पूरा बदन खोल के देखा कहीं एक खरोच नहीं थी प्योर ईयर। तो लेफ्टिनेंट जो बॉडी लेके आया था तो उसने ये कहा था कि मम्मी इसको मत कर दिया। मतलब मेन चीज में ही यहाँ पे हेलमेट गिर गया था चढ़ाई करते 18,000 फुट की ऊंचाई पे आप चोटी देख लीजिए मैंने देखा तो आपको जहाँ मैं चढ़ा था चढ़ने का कोई जुगाड़ नहीं कैसे आदमी चढ़ गया। अभी भी यथासंभव स्थिति है वहाँ पर जैसा उस टाइम में था तो हमेशा रहेगी वो कोई परिवर्तन हुआ नहीं कि तक कि वहाँ पहाड़ पत्थर के अलावा कुछ है पहाड़ पत्थर बर्फ बर्फ जिंदगी है वहाँ की वही वही पानी है वही वही रहना है वही सब कुछ करना है। पेड़ है नहीं पहाड़ है पत्थर है